हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाद। तो यार अनुमन नाथ के पास सुपर पावर्स तो आ चुकी हैं, लेकिन उसका एक ये है कि भाई रात को खत्म होंगी, सुबह फिर उसको जब सूरज निकलेगा। हाँ, लेकिन भाई वो अपने दोस्त को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है मुझे सुपर पावर मिली, वो मान ही रहा, भागे देखते हैं भागे होता है क्या। तो लगता है यकीन कर लिया, फिर से कॉपी कर लिए महेश बाबू का स्टाइल, बहुत फिल्मों में किए, तूने क्या उखाड़ लिया? अबे कैसे यकीन दिलाया आप, मतलब दूर कर सकते हैं वो तो चलो ये क्या किया, ये मिथुन दा बचपन से करते आ रहा है। अबे वो फिल्मों में कर रहा है, अबे वो फिल्मों में करते हैं ना। अबे नलका सनी देओल की एग्जांपल दे गई। अरे मेरे भाई, सुपर हीरो यही सब तो करते हैं, लेकिन अपने हीरो लोग हर फिल्म में यही करते हैं। देखो भैया, अगर तुम हमको विश्वास दिलाना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है तो ये सब नहीं चलेगा, अपना लेवल बढ़ाना होगा। बढ़ा सकते हो क्या इससे भी ज्यादा? अरे हम तो रजनी जी के भक्त हैं, सुपरस्टार रजनीकांत, वो तो ट्रेन भी रोक सकते हैं उंगली दिखा के। तुम बताओ तुम रोक पाओगे? तुम रोक पाओगे भाई? बड़ा चले निकल जाए। हनुमान जिद मत कर, चल यहाँ से, इस सब सिनेमा में होता है, तुमको कुछ हो गया तो दीदी हमको मार डालेगी। चली गई तो फिर गया। अरे हट जा, बात मान, ये रोक पाएगा ट्रेन? अबे आ तो बड़ी स्पीड से रही है, चुप चुप करते आ रही है। रजनी देवा, मुझे शक्ति देना, जय रजनी देवा। ट्रेन पास आ रही है लेकिन ट्रेन रुक नहीं रही। हनुमान, अरे मर जाएगा, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, मेरे दोस्त नहीं रुकी, तुम बताओ अनुवाद जला गया। वो निकला ही आपको ये करना पड़ेगा। चला गया दोस्त के हनुमान, ट्रेन से टकरा के भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? अब यकीन हुआ तुझे? पर तू तो सचमुच का सुपर हीरो है, रजनी जी को भी टक्कर दे सकता है। अरे नहीं नहीं, उनको कौन टक्कर देगा? जय रजनी देवा, जय रजनी देवा। लेकिन चलो फाइनली यकीन तो कर लिया। चिड़ी का तंग आ रही है। कितनी बार कहूँ, ये तेरा घोंसला नहीं है, दो बार गंदा कर चुकी है। जो कमाता हूँ सब शैम्पू में जाता है। कैसे हो भैया, सब ठीक ठाक? जरा एक केला खिलाना। चल भाग केला चोर। मुझे डर आ रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। इसकी नजर कहाँ है? सोने की चेन। ओ, चेन देख रहा है। देख देख चेन देख, इसी से धापा होगा, इससे तो मैं धापूंगा। बड़ा समझदार बंदा रहा। ये ले, बंदर को उल्लू बनाया। चूना लगाया मुझे, छोड़ूंगा। कल स्कूल के बाद चले ना? ठीक है दीदी। आ जाओ, जिसको जो चाहिए ले लो। मुझे जल्दी दो, मैं देता हूँ ना। ये ले, तू भी ले। अरे लॉलीपॉप, ये चेन, आराम से आराम से। ये चेन तुम्हारे पास कैसे आई? ये चेन कहीं इसका तो नहीं है? एक मिनट के लिए बाहर आएंगे। चेन इसी की है ना? वो मैं, इफ यू डोंट माइंड। ये क्या कर रही है, बटन क्यों खोल रही है? ये यकीन कर रही होगी कि ये मुझे बचाने वाला तो मुझे तो शर्म आ रही है। ए बच्चा पार्टी, आंखें बंद करो। देखो सबने आंखें बंद कर ले। ये जख्म, वो मैं कुत्ते के मुंह से हड्डी छीन रहा था, उसने मुझे काट लिया। झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? कहीं समझ तो नहीं कब तक मुझसे छुपते रहोगे? मैं कहाँ छुप रहा हूँ, मैं तो रोज दुकान खोलता हूँ, रस्ते का माल सस्ते में। नाटक मत करो, तुम ही मेरी जान बचाते आए हो तो फिर इस सच को क्यों छुपा रहे हो? नहीं बचा रहा, लगता है किसी ने इसकी जान बचाई है और ये उसे ढूंढ रही है। कैसे सामने आता, खुद अपनी ही बड़ाई कैसे करूं? प्यार का मतलब देना होता है
आपकी जान बचाकर मतलब इससे प्यार कर रही थी, मैं क्रेडिट लेने कैसे आता? यार ये तो मैं किराने के सामान का व्यापार करता हूँ, लेकिन जज्बातों का व्यापार नहीं हो सकता। लोग अच्छे मार रही, लगता है पट गई। ये लीजिए आपकी चेन, रख लीजिए। लोग अच्छे मार रहे। थैंक यू, वेलकम यू। ओ लड़की तो गई, ये नहीं है यार। चल जल्दी, सूरज ढलने से पहले मीनाक्षी को सब समझाना है, क्योंकि सूरज ढलने के बाद मनी जी की बत्ती गुल हो जाती है। ओ, तो सूरज देवता की रोशनी से शक्ति मिलती है। मीनू, पिकअप नॉट मीनू, प्यार में फिसल गया। बाप रे, ऐसा लगा मीनाक्षी के साथ कोई जानवर जैसे आदमी के साथ क्यों घूम। देखा, उस दिन जिसने मुझे बचाया था वो मुझे मिल गया। तुम्हारी बात कर रही है, यही है गुणेश्वर राव। इसने? हाँ मैंने। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? रुको मैं दिखाती हूँ। रुको मैं दिखाता हूँ। देखो देखो, तू भी देख। अबे ये तो क्या था, कुत्ते की काट। अंधेरे में भी इसका निशाना चूकता नहीं है। बिल्कुल सही, गुणेश्वर राव जब गुलेल उठाता है ना तो चिड़िया खुद गिर जाती है। सही कहा ना मीनू, चिड़िया को गिराएगा तो देखा, लेकिन गुलेल नहीं लाया। अरे है ना, ये ले चले। अब सच आएगा ना सामने। गुनु, इन दोनों गधों को दिखा दो तुम कौन हो, चलो। पर मारू किसको? वो देखो उनारे ला ना। अबे वो बहुत दूर है, हमारा गोद में ले आए, रहने दे। मारता हूँ कहीं लग न जाए। हाँ, इत्तफाक। साबुन तेल बेचना अलग बात है और गुलेल चलाना अलग। तू देख इसकी मछली क्या। बाबा जी की बोतल चाचा। और जहर पी रहा था ये तो। जहर? ये क्या कर रहे थे? और क्या करूं बिटिया, मेरी पूरी फसल लगान के नाम पर उठा ले गए, थोड़ी बहुत जो बचे थे वो भी छीन कर ले गए। और मारा वो सब डाकू लुटेरे हैं, ये डर दिखाकर उन्होंने हम सबको गुलाम बना लिया है। अगर हम आवाज उठाएं तो कुश्ती के नाम पे हमारी जान ले लेते हैं। कसम से, अब मेरी तो इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं रही, तो मर जाना ही बेहतर है। डाकू लुटेरे आते हैं ना तो सिर्फ सोना और पैसा लेकर जाते हैं। तुम तो लोगों के मुंह से निवाला छीन रहे हो, डाकू से भी बदतर हो तुम। छोरी, अंजनाद्री की परंपरा अटल होवे, थारे को दिक्कत से तो तूतरी बजा के मारे साथ कुश्ती कर। एक पहलवान और लड़की को बोल रहा है। क्या हुआ, सांप सूंघ गए हो? रुक जाओ दीदी, आप काहे ले रही हैं पंगा? अपने पास लौंडा है ना चंगा, वो आदमी मौत के सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा आपके लिए। उस जाबाज का नाम है गुड्डेश्वर राव। ये कोई तेरी मौसी की शादी का खाना नहीं है जो खा लो। कुश्ती है कुश्ती, ये गेंडे का साइज देखा है? ये मारेगा नहीं, मसल देगा। वो आंटी, तुमने मान कैसे लिया कि मैंने तुम्हें बचाया? क्यों? वो तो चेन बहुत सुंदर थी और आप उससे भी ज्यादा सुंदर, इसीलिए बह गया। मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था, माफ करो मुझे, इससे मार नहीं खानी। फिर ये चोट? ये लो, ये भी लो, सब उतार दो। कितनी बार चेक करोगे, कितनी बार? समझ नहीं आता मुझे, कुत्ते ने काटा है। माफ कर दीजिए मालिक, मैं चलता हूँ, दुकान पे आना, फ्री के बिस्किट खिलाऊंगा। रुक रुक, भागता का है, रुक। ये इसके दोस्त ने जानबूझ के किया है ऐसे। वही रहा था कि भाई साहब सच्चाई सामने आया ना, देखते हैं कितना पहलवानों से लड़ता है, मुश्किल टाइम में किस तरह आगे बढ़ता है। कहता भाई साहब कोई नहीं है भाई, इंसान से कौन लड़ सकता है, तो मुझे मसल देगा भाई। तो तेरे जो मस्कल है मस्कल भाई साहब, तू उनको मसल देगा। तो भाई कुत्ते ने इसको काटा था, लेकिन जिसके वो मीठी मीठी बातें कर रही थी तो वो भी भावक हो गया। अबे स्टार्टिंग में तो उसने बोला कुत्ते ने काटा, लेकिन भाई अब खुद ही जो बोल रही थी, नहीं यार जो आपने काटा, फिर ये किया, फिर चैन वो हो रही थी, प्यार की तरफ बढ़ रही थी, वो भी फिर बड़ी बड़ी बातें करने शुरू हो गया। भाई सारी बात है, फिर जब अगले को घास नजर आ रहा था, अगले ने मौके का फायदा उठाया, सारी बात। और हीरो बांध रहा था, लेकिन भाई ट्रेन से जब लगा हनुमंत, ओ भाई उसका दो समझाओ गई बढ़ गया भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, गई वो मर गई। लेकिन भाई पीछे से उड़ के आते ही कहता भाई क्यों देखा, मेरे मान गया ना मेरे पास सुपर पावर है। वो जो दीवार जो तोड़, भाई दीवार भी कितनी मोटी थी, चलो ये तो रियल में तोड़ रहा है ना, वो फिल्मों में
कह रहा ये तो महेश ने तोड़ी थी यू करके। अबे जब उसे नलका तोड़ खड़ा ना, मैंने कहा भाई सनी देओल का नाम नहीं दिया उसे। अबे सारी बात ये चीजें बंदा आम बंदा थोड़ी कर सकता अबे है। वही ना, वो जो किला सा लगा हुआ था पांव से मारा धड़ोप जमीन के अंदर वो धस गया। लेकिन भाई फिर भी यकीन नहीं कर रहा था, कहता है जिस तरह रजनीकांत जी ने ट्रेन रोकी थी उस तरह रोक कर बताओ। लेकिन भाई साहब वो गया, रुकी तो नहीं लेकिन टकरा गया जोर से, लेकिन बच गया, बच गया है। लेकिन ये और दूसरी तरफ भाई वो गंजू भाई कहता है हिम्मत है तो भाई साहब तू आ गया इन पहलवानों से लड़ लेना। भाई लड़की को बोल रहा है ये देख, लेकिन अनुमानत आगे अब हुआ तो है, देखते हैं भाई अब आगे लड़ता है कि नहीं लड़ता है। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो इधर वीडियो खत्म करते तो